हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने 26 जनवरी की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार केवल किसानों को बदनाम करने के लिए इस घटना के लिए किसानों को दोषी बता रही है। सरकार के इशारों पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 26 जनवरी के दिन लाल किला पर जो घटना हुई, किसान मोर्चा उसकी निंदा करता है और मांग भी करता है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बड़ी संख्या में किसान सिंगू व गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अब गद्दारों की छटनी हो चुकी है, अब यह आंदोलन और तेज होगा। सरकार लाख कोशिश क्यों ना कर ले, इस आंदोलन को कुचलने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। 26 जनवरी को जो घटना हुई उसको एक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है कि किसानों ने जो है वो एक ऐसा किया, किसानों ने उपद्रव किया, किसानों ने हिंसा की, किसानों को बदनाम करने की एक पूरा वो चलाया जा रहा है कुछ चैनलों के ऊपर, और नेट को बंद कर दिया गया है जिससे वास्तविक जो स्थिति है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, और सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कुछ चैनल है उन चैनलों के माध्यम से किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है। तो उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो उस दिन 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था, तो पूरे देश के जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर लेके वहाँ पे पहुँचे थे, और हमारा आह्वान था सब लोगों से कि हर घर से एक व्यक्ति जो है वो ट्रैक्टर लेके अपना वहाँ पे पहुँचे, और उस आह्वान के ऊपर, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर पूरे देश से लाखों की संख्या के अंदर ट्रैक्टर वहाँ पे आए, और जो रूट निर्धारित हुआ था उसी रूट के ऊपर किसान जो है वो चले थे। किसानों ने रूट से अलग कोई भी एक ट्रैक्टर हमारा वहाँ नहीं गया, लेकिन उससे पहले सरकार ने एक षड्यंत्र किया, एक साजिश रची, उसने लाल किले के ऊपर पहले से ही कुछ ट्रैक्टर वहां पे तैयार खड़े कर रखे थे, और कुछ रूट ऐसे थे जो दिल्ली के लिए हमने डाइवर्ट किया हुआ था, वहां पे कुछ दिल्ली के तरफ जाने वाले जो है बैरिगेट जो जानबूझ के खोले गए, और सरकार के द्वारा प्रायोजित किए हुए उस आंदोलन के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, वो लोग उधर बैरिगेट तोड़कर उस साइड दिल्ली के अंदर गए, जिनको पुलिस ने रोका नहीं, जानबूझ के वहां पे जाने दिया। और दीप सिंधु जो बीजेपी का ही आदमी है, जिसकी फोटोएं हैं, अब अमित शाह के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, शनि देओल के साथ है, बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं उनके साथ उनकी बैठकें और उनकी जो फोटो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गया, और वो वहाँ जाके झंडा फहराते हैं, और लाल किले के अंदर इतनी सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा के बावजूद वहाँ पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं, तो इससे साफ है कि सरकार ने उनको सह दे के उन लोगों को वहाँ पे पहुँचाने का काम किया और वो झंडा वहाँ पे फहराने का किया। उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम मांग भी करते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से, और उसी समय जिस दिन ये घटना हुई उसी समय शाम को भी हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी था कि ये जो लोग हैं ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, इन लोगों ने जो ये काम किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जो किसान है जो शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से दिल्ली के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ ही उल्टे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हीं को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जबकि होना उन्हें चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने हिंसक घटनाएं की उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनजाने में कुछ लोग साथी ऐसे जिनको पता नहीं चला तो वो उनको देखा देख उनके पीछे चले, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में जैसे उनको पता चला कि ये रूट तो गलत रूट आ गया तो वो लोग वहां से वापस भी आ गए, और हमारे किसान साथी है जो किसान नेता है वो भी उनको जाके नोटिस भी किया कि ये तुम गलत आ रहे हो, और उनको वापस लेके आने का काम किया है। तो हमने पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन किया, और दिल्ली की जनता ने फूलों की वर्षा से 26 जनवरी को किसानों की जो ट्रैक्टर परेड था उसका स्वागत किया, बहुत अच्छे से लोगों ने लंगर लगा रखे थे वहां, दिल्ली की जनता ने पानी की व्यवस्था की थी, केले बांट रहे थे, छोटे छोटे बच्चे वहां पे आके किसान एकता के नारे लगा रहे थे, पूरी दिल्ली की जनता इस किसान परेड का जो है वो स्वागत कर रही थी, और बहुत बड़ा समर्थन मिला। ये बीजेपी सरकार को जो है वो हजम नहीं हुआ, और उन्होंने ये षड्यंत्र करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या है कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर, शंघू बॉर्डर के ऊपर आरएसएस के कुछ लोगों द्वारा एक विरोध किया जा रहा है, वो गिनती के कुछ लोग हैं 150 लोग इकट्ठे होकर जो सरकार के द्वारा ट्रेंड किए हुए लोग हैं, उन लोगों को वहां पे जाके सिंघू बॉर्डर के ऊपर विरोध करवा दिया, टिकरी बॉर्डर के ऊपर विरोध करवा दिया, और वो टीवी के माध्यम से खबर चलाई जा रही है और पूरे देश के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों का विरोध
हो गया है, वहां पे लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि किसानों का वहां के स्थानीय लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। स्थानीय लोग जो है वो किसानों के साथ आज भी हैं, वहां लोग सब्जी पहुंचा रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग दूध पहुंचा रहे हैं, वहां के लोगों ने किसानों के लिए अपने घर खोल रखे हैं, अपनी दुकानें खोल रखी है और बहुत बड़ा समर्थन स्थानीय लोगों का है। हरियाणा का प्रत्येक जो आदमी है आज इस आंदोलन के साथ खड़ा है और हरियाणा में जिस तरीके 26 जनवरी को जो लोग गए थे, एक दिन का कॉल दिया हुआ था, वो लोग जब वापस आए 26 जनवरी का कार्यक्रम करके, तब एक खबर ये फैला दी गई, चला दी गई कि आंदोलन तो टूट गया है, लोग वापस चले गए हैं, जबकि लोग वापस नहीं आए। लोग जो शुरू से डटे हुए थे वो वहीं पर डटे हुए हैं, लेकिन एक दिन के कार्यक्रम में एक घर से एक व्यक्ति गया था, वो लोग वापस आ रहे थे, तो वो एक भ्रम फैलाने का काम किया गया। जबकि जैसे ये भ्रम फैलाने का काम किया और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर वहां पे पुलिस ने एक शक्ति दिखा के आंदोलन को खत्म करने की, वहां उठाने की कोशिश की, और तो राकेश टिकैत जी उन्होंने जो आह्वान किया तो पूरा दोबारा से जो लोग वहां दिल्ली से आए थे वो आराम करने के लिए आए कि इतने दिन हो गए तो दो चार दिन चलो घर चलते हैं, वो लोग दोबारा रातों रात जो है मीटिंगें करके, और आज देख रहे हो पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर जो है बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और लोग ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार करके वहां पहुंच रहे हैं। कल 2500 से ज्यादा जो लोग है भिवानी हिसार जिले से पहुंचे हैं, सिरसा से बहुत से ट्रैक्टर ट्रालियां गए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर और संघ बॉर्डर के टिकरी बॉर्डर और संघ बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा के लोग वहां पे पहुंचे हैं और आज भी वहां पे जा रहे हैं। लगातार गांव के अंदर बैठकें हो रही है, लगातार मीटिंगें हो रही है, हरियाणा की खाम पंचायतें इस आंदोलन के साथ है, हरियाणा का प्रत्येक किसान इसके साथ है। तो ये एक षड्यंत्र करके आंदोलन को जो कुचलने की कोशिश की है सरकार ने, वो बिल्कुल सामने आ गया है सारी चीजें, और अब ये बातें असली लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए हरियाणा के अंदर नेट बंद कर दिया गया है ताकि वहां की वास्तविक स्थिति वहां ना पहुंच पाए। तो हम प्रेस के साथियों के माध्यम से अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है, पहले से भी ज्यादा गंभीर आंदोलन आगे चलेगा, और इस आंदोलन के अंदर निखार आया है। जो सरकार के द्वारा प्लांट किए हुए लोग थे उन लोगों की छंटनी हो गई है, जो गद्दार थे वो लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं, वो बेनकाब हो गए हैं। हमें पता चल गया है कि इस आंदोलन के अंदर खराब करने वाले लोग कौन थे और आंदोलन के साथी कौन है, ये स्पष्ट हो गया। तो इस घटना से हमारा आंदोलन ज्यादा मजबूत हुआ और इस आंदोलन से लोगों के अंदर ज्यादा रोष हुआ है, और जब तक ये तीन कानून रद्द नहीं हो जाते, MSP खरीद गारंटी कानून नहीं बन जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा।